बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। आज हम बनाएंगे फिश तवा फ्राई। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मच्छी ले रही हूँ 1.5 किलो। इसको इतने छोटे टुकड़ों में कट करा के रखा हुआ है। अब इसके लिए मैरिनेशन बना लेंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए एक बोल लेंगे। इसके अंदर 4 टेबलस्पून जितना बेसन डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 छोटा सैशे फिश मसाला। अब लास्ट में 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। इसी के साथ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर एक एक करके मच्छी के टुकड़ों को डाल देंगे। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से हाथ से मैरिनेट कर लेंगे मच्छी को। देखिए अब मैंने सभी मच्छी को अच्छे तरीके से मैरिनेशन लगा लिया है। अब इसको 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 घंटा हो चुका है, हमारी मच्छी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई है। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे, और इसी के साथ फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। इसको हम चीर लेंगे बीच से, और थोड़ा सा करी पत्ता, ये फ्रेश करी पत्ता है। अभी मैं इसको झाड़ से तोड़कर ला रही हूँ। तोड़ने के बाद इसको अच्छे से मैंने पानी से धो के सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। तो चलिए इसको अब हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मच्छी तलने के लिए मैं यहाँ पे लोहे का तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मान रही गैस ऑन करके इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके अंदर एक एक करके मच्छी को डाल देंगे। किनारों में इस तरह से हरी मिर्ची और करी पत्ता डाल देंगे। डालकर मच्छी के साथ इन दोनों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से सुनहरा होने तक। अब मिर्ची को थोड़ा साइड में हटा लेंगे। करी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको भी साइड में रख लेंगे। अब एक साइड से हमारी मच्छी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको भी हम पलटा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है, इसको भी पलटा लेंगे। पलटा कर दूसरी साइड से भी अच्छे से सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारी मच्छी दोनों साइड से अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। इसको अब हम निकाल लेंगे 1 प्लेट के अंदर। इसी तरीके से सभी मच्छी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने सभी मच्छी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तवा फिश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।